हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बनाएंगे रागी हॉट चॉकलेट। इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी फॉर विंटर्स। रागी एक बहुत ही हेल्दी ग्रेन है और हॉट चॉकलेट विच इज जस्ट हाई इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंग्जाइटी को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। विंटर्स में उसका कंजप्शन बढ़ जाता है, तो उसके लिए एक अगर हट के रेसिपी मिले तो कितना अच्छा है। आप इसे अपनी इवनिंग टी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून रागी का आटा, जिसे नाचनी या अंग्रेजी में फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। आधा कप पानी है, आधा कप मिल्क है। आप प्लांट मिल्क भी ले सकते हैं, और अगर आप नॉन डेयरी मिल्क लेंगे तो सबसे अच्छा कैशू का मिल्क या कोकोनट मिल्क रहेगा। और आपको अगर थोड़ा लाइट चाहिए तो ओट मिल्क या सोया मिल्क आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोको पाउडर है 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून है सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कार्डमम यानी इलायची या फिर नटमेग यानी जायफल का पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून जैगरी पाउडर है। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। 10 से 15 ग्राम आप लेंगे 99% डार्क चॉकलेट। इट इज वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, आपके मूड को एनहांस करेगी स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। अगर आपको 99% डार्क चॉकलेट ना मिले तो 70 एटलीस्ट ट्राई करें। ये मैंने अमूल की ली है, लेकिन अगर आपके पास कोई और अच्छा ब्रांड है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एक्स्ट्रा चीज, अगर आप इसको और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर नट्स को ऐड कर सकते हैं सोक किए हुए, जैसे कि कैशू है, आमंड्स है, फ्लैक्स सीड का पाउडर है, उससे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ जाएगी। थोड़ा सा वेनिला एक्सट्रैक्ट मैंने लिया है फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। तो रागी मैंने इस्तेमाल की है। रागी इज लोडेड विद कैल्शियम एंड आयरन, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी फीमेल्स को रागी अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए। आपके डाइजेशन के लिए अच्छी है। इट इज रिच इन फाइबर, एंटी ऑक्सीडेंट्स में हाई है, ग्लूटेन फ्री है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करती है, इंसोम्निया यानी अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती तो इसे इवनिंग में कंज्यूम करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। इम्यूनिटी बूस्ट करने में ये ड्रिंक आपको हेल्प करेगा, साथ ही वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले रागी के आटे को थोड़े पानी के साथ हम मिक्स करके उसका पेस्ट तैयार करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई लम्प्स ना हो इस मिक्सचर में। अब पैन के अंदर बचा हुआ पानी और मिल्क मैंने ऐड कर दिया है। इस पैन को हम हीट करने के लिए गैस पर रख देंगे और तब तक हम इसे वार्म करेंगे तब तक इसके अंदर एक बॉईल ना आ जाए। मीनवाइल एक नाइफ से आप अपनी डार्क चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। जितना छोटा आप कट करेंगे उतना जल्दी इसे मिक्स करने में हमें आसानी होगी। जब मिल्क बॉईल होने लगेगा तब हम उसमें रागी का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे कॉन्स्टेंटली हमें मिक्स करना है। कीप स्टरिंग टू अवॉइड लम्प्स। अब मैं कोको पाउडर इसके अंदर ऐड करूंगी। कोको पाउडर ऐड करने के बाद आपको और ज्यादा मिक्स करना है। आप एक विस्कर की हेल्प ले सकते हैं या फोर्क की, और इन लम्प्स को आपको फटाफट ब्रेक करना है। वनिला एक्सट्रैक्ट मैंने ऐड कर दिया, इसे भी अच्छी तरह कंबाइन कर दीजिए। अब चॉप की हुई डार्क चॉकलेट हम ऐड करेंगे। इस पूरे मिक्सचर को हम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और कॉन्स्टेंटली हमें स्टर करना है। हाथों की अच्छी एक्सरसाइज होगी, स्टर नहीं करेंगे तो ये बॉटम स्टिक होने लग जाएगा और लम्प्स भी बनने के चांस है। अगर आपको लगे कि मिक्सचर काफी ज्यादा थिक हो रहा है तब आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं ग्रेजुअली एक्स्ट्रा।
मैंने 1/4 कप मिल्क एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया। आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ठंडा पानी या ठंडा दूध आपको इस मिक्सचर में ऐड नहीं करना है। या तो आप इसके अंदर वार्म मिल्क या हॉट वाटर ऐड करेंगे। अगर आपने ठंडा पानी या ठंडा दूध ऐड किया तो फटाफट इसमें लम्स बन जाएंगे, तो ये सावधानी आपको बरतनी है। और जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर आप इसे एज अ पॉरिज खाना चाहते हैं तो थिक भी खा सकते हैं स्पून से इसे, अदरवाइज अगर आप इसे ड्रिंक करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा पतला रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इसके अंदर जो टेक्सचर है वो थिक ही अच्छा लगता है हॉट चॉकलेट के अंदर। एंड में जब हम अपनी गैस बंद करने वाले हों, हम इसमें सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे जो फ्लेवर को एनहांस करेगा, और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम जैगरी पाउडर ऐड करेंगे। आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको तब ऐड करना है जब पूरे जो हमारा डिश है उसका टेम्परेचर थोड़ा लोअर डाउन हो जाए। नाउ सर्व इट इन अ कप और बोल। Enjoy this ragi hot chocolate as any time snack or replace it with your evening tea. बच्चों को आप दे सकते हैं, elders को दे सकते हैं, pregnant women ले सकती हैं, nursing mothers इसे खूब enjoy करें। Stress उनका कम होगा, anxiety level कम होगा, साथ ही ये उनकी breast milk के production को भी बढ़ाएगा। अगर आपको चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है तो ये ड्रिंक अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। दिस रेसिपी सर्व्स 1 पर्सन। डू शेयर योर फीडबैक एंड रेसिपी पिक्चर्स विद मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव एंड स्टे फिट। आई विल बी बैक वेरी सून विद अनदर हेल्दी इंटरेस्टिंग रेसिपी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।